गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2, डिटरमिनर्स, ऑन द पेज नंबर 9. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनर्स? नाउ डिटरमिनर्स आर वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन्स दैट फॉलोज देम. सो दे आर सेड एज फिक्सिंग वर्ड्स एंड मेकर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स वो होता है जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है. किसको मॉडिफाई करता है? नाउन्स को. ठीक है, मॉडिफाई मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जो नाउन को निर्धारित करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स. ओके, और उसी को हम क्या कहते हैं? फिक्सिंग वर्ड्स या फिर मार्कर्स. जैसे एग्जाम्पल है, अरुण मिश्रा वॉज एन अथॉरिटी इन इंग्लिश. अब यहाँ पे अरुण मिश्रा क्या हुआ? अरुण मिश्रा जो है वो यहाँ पे एक नाउन है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पर वो एक अथॉरिटी है इंग्लिश का. अब अथॉरिटी यानी कि इसके पहले क्या लगा? एन. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अरुण मिश्रा को इतना, मतलब नाउन को और मॉडिफाई करते हुए और ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे क्या हमने ऐड किया है? एन. तो एन क्या हो गया यहाँ पे? डिटरमिनर्स. समझ में आया आपको? अब फिर भी मैं आपको एक बार सिंपल वर्ड्स में आपको एक बार मैं समझा देती हूँ. सी, सो सबसे पहले है डिटरमिनर्स. तो डिटरमिनर्स का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज़ यूज बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई नाउन. यानी कि ये डिटरमिनर्स कब लगता है, कब यूज़ होता है इसका? नाउन से पहले और जो क्लैरिफाई नाउन, यानी कि वो नाउन को और क्लैरिफाई करता है. क्लैरिफाई मतलब और ज़्यादा स्पष्ट करता है नाउन को. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने आपको. पहला एग्जांपल है माय पेन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माय पेन. ठीक, माय पेन दिया है. देन सम वाटर है, दिस बुक, अ चेयर एंड टू स्टूडेंट्स. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो पेन के साथ जो सॉरी पेंसिल के साथ जो मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया है, जैसे पेन हो गया, वाटर हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, तो ये सब क्या है? नाउन है. क्या ये सब? नाउन्स. ठीक है, और अब तो अब नाउन से पहले क्या लगा है? नाउन से पहले क्या हो गया? डिटरमिनर्स, यानी कि माय हो गया, सम हो गया, दिस हो गया, अ हो गया, टू हो गया, तो ये सब क्या है? डिटरमिनर्स. क्या है ये सब? डिटरमिनर्स. समझ में आया? जो हम नाउन से पहले लगाते हैं. और यहाँ पे क्या हो गया कि इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया, यानी कि इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है नाउन को. कि ठीक है, जैसे पेन है तो किसकी पेन है? मेरी पेन है. पानी तो कैसा पानी? कुछ पानी. सम वाटर मतलब कुछ पानी. दिस बुक तो यानी कि किसकी बुक? दिस, तो ये इसकी बुक. और दिस जो होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ पास होती है, तो अब हम दिस का भी यूज़ करते हैं. चेयर तो अ चेयर. कितनी चेयर? अ चेयर. स्टूडेंट्स तो टू स्टूडेंट्स. अगर आपको अब दूसरा क्या है कि अगर आपको इसका दूसरा मीनिंग ईजी वे में अगर आपको जानना हो डिटरमिनर्स, तो इसके टू वेज होते हैं, किसका और कितना. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये किसका पेन है, तो ये मेरा पेन है, तो माय क्या हो गया? डिटरमिनर. अब कितना पानी? कुछ पानी. पानी ढेर सारा नहीं होता, ये पानी कुछ ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम, यानी यहाँ पे डिटरमिनर हो गया. कितना पानी? कुछ. तो कुछ क्या हो गया? सम. तो सम हो गया डिटरमिनर. ओके, अब बुक. किसकी बुक है? दिस बुक. कितना? किसकी बुक? दिस बुक. यहाँ पे दिस आएगा, तो दिस यहाँ पे हो गया डिटरमिनर. अब कितनी चेयर है? एक ही चेयर है, तो यहाँ पे इसलिए अ आया है. अ चेयर मतलब एक चेयर, तो इसलिए अ क्या हो गया? डिटरमिनर. अब कितने स्टूडेंट्स हैं? टू स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए टू क्या हो गया? डिटरमिनर. समझ में आया आपको डिटरमिनर्स? तो ये जो था डिटरमिनर्स की डेफिनेशन, और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो डिटरमिनर्स को दर्शाती है. ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. इसके बाद है नाउ अबाउट डिटरमिनर्स. डिटरमिनर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फाइव काइंड. कौन कौन से डिटरमिनर्स जो है इसके फाइव काइंड्स होते हैं. पहला है आर्टिकल्स, सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड है पॉसेसिव, फोर है न्यूमेरिकल, एंड लास्ट फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स. अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. अभी फर्स्ट आर्टिकल्स के बारे में,
आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स, हम सबको ये पता है अ एंड द, ये तीन वर्ड्स हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिकल. आर्टिकल करता क्या है? एन आर्टिकल इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ अ नाउन. इट मीन्स दैट एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ नाउन. तो सेंटेंस में अगर हमने आर्टिकल यूज किया है तो आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा. तो आर्टिकल ये इंडिकेशन देता है कि उसके बाद जो वर्ड यूज हो रहा है वो नाउन है. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. द फर्स्ट इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द अदर वन इज डेफिनेट आर्टिकल. नाम से ही हम ये क्या कह सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल किसी भी जनरल नाउन के आगे यूज होगा एंड डेफिनेट आर्टिकल किसी पर्टिकुलर नाउन के आगे यूज होगा. तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वी विल यूज अ डेफिनेट आर्टिकल. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग, वी विल यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में एक आर्टिकल है अ एंड सेकेंड आर्टिकल इज एन. दोनों के यूज में एक माइनर सा डिफरेंस है, वी विल कवर दैट लेटर. एंड डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, दैट इज द. अब इन आर्टिकल्स को कब कब कहाँ कहाँ यूज करना है, वी विल डिस्कस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मेन फंक्शन क्या है, दे टेल दैट द नाउन दे प्रीसीड डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जैसा कि अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ, जब हम किसी जनरल नाउन, किसी जनरल नेम, प्लेस या पर्सन की बात करते हैं तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन का क्वालिटी क्या होता है, वो सिंगुलर यानी कि एक चीज के लिए होता है एंड इट इज काउंटेबल. मीन्स जो भी नाउन है उसे हम नंबर से काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल. नाउ वी कैन काउंट वन गर्ल, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स. सो दिस इज अ काउंटेबल नाउन. तो इस तरह के सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं. नाउ देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड व्हेन नाउन इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे कि मैंने आपको बताया किसी जनरल नाउन के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं. तो जब भी कोई नाउन पहली बार आपकी बातचीत में, कम्युनिकेशन में या सेंटेंस में आ रहा है तब आप उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि वो एक जनरल नाउन है. टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, किसी भी चीज की अगर आप क्वांटिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, तो यहां पर अ क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी. आप एक कहना चाहते हैं वन, तो उसकी जगह आपने अ यूज किया. So this indefinite article a is expressing quantity. It is also used before units of price, speed, ratio. For example, I say sugar costs 25 rupees a kilo. तो यहाँ पर किलो क्या है, यूनिट ऑफ वेट, और उससे पहले हमने a use किया which is an indefinite article. So indefinite article is used before the unit of price, speed, ratio, weight, etc. Now indefinite articles are also used before certain numbers. For example, we say a million people. तो यहाँ पर number है million और उससे पहले हमने indefinite article a use किया. It is also used to express frequency. For example, doctor हमें prescribe करता है you have to take this medicine thrice a day. तो वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि दिन में तीन बार मेडिसिन लेनी है. और यहाँ पर भी देखिए अ का यूज हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट यूजेज इज इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस. लाइक इफ आई से व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन. और यहाँ पर अ यूज हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल. तो इस तरह के एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस में भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं. Now the next important thing is a और an की usage में क्या फर्क है. A is used before a word beginning with a consonant sound and an is used before a word beginning with a vowel sound. Now please listen very carefully. आपने sound पर ध्यान देना है, not the alphabet. What is a consonant sound? What is a vowel sound? English alphabets 26 हैं, उनमें से पांच vowels हैं,
A-E-I-O-U. इन पांचों के अलावा जो 21 बाकी के अल्फाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट्स है. ना अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड से तब आप उस वर्ड से पहले एन यूज करेंगे. एंड इफ द वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अल्फाबेट यू हैव टू सी द साउंड देन यू विल यूज अ बिफोर दैट वर्ड. नाउ लेट अस सी सम एक्सेप्शंस. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शुरू तो होते हैं वावल से लेकिन उनका साउंड वावल वाला नहीं होता इसलिए उनसे पहले अ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड यूनिवर्सिटी. Now university begins with a U which is a vowel but इसका sound क्या है? Your sound. Y का जो sound होता है. And this is a consonant sound that's why we say a university. Similarly I have another example. He is an honest man. Now honest word starts with H. H is a consonant but इसका sound क्या है? Honest. O sound आ रहा है which is a vowel sound. And so we say an honest person. So I hope you have got this clear कि आपने a और an sound देखकर use करना है. Now the next important thing is definite article the. When is the used? Before both countable nouns singular and plural and with uncountable nouns with a specific person place or thing. अगर आप किसी particular person place या चीज की बात कर रहे हैं उसके नाम से पहले आप the use करेंगे. और द काउंटेबल नाउन्स जो कि सिंगुलर या प्लूरल है और अनकाउंटेबल नाउन्स सबके साथ यूज हो सकता है. नाउ लेट अस सी सम इंस्टेंसेस वेयर अ डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप. जब आप कोई सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल यू से द स्टाफ इज इन अ मीटिंग. Staff refers to a group of employees जो एक meeting में है. अब यहाँ पर staff is a singular noun, but it represents a class or group of people. तो इससे पहले हमने the use किया है. ऐसे ही अगर हम कहते हैं the committee is in a meeting या the senate has decided something, तो इन सब noun से पहले हम the use कर सकते हैं. Then we use the before names of oceans, rivers, mountain ranges, gulfs and seas. For example द इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन के नाम से पहले हमने द यूज किया. सिमिलरली रिवर का नाम है द गंगा. अनदर इंस्टेंस इज द नेम्स ऑफ कंट्रीज, रिलीजियस बुक्स, होटेल्स, बिल्डिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वी से द बाइबल, द गीता जो कि हमारी रिलीजियस होली बुक्स है. इनके नाम से पहले भी हमने द यूज किया है. Some more instances where definite article is used, names of families in plural. For example, we say the Kapoors. The Kapoors refers to the Kapoor family. तो जब हम एक पूरे बड़े परिवार की बात कर रहे हैं उससे पहले भी हम the use करेंगे. When we have to refer to a class, race, newspaper का नाम उससे पहले भी हम the लगा दें. For example, the Tribune, the Hindustan Times, the Guptas, the Mauryas. तो इस तरह से इन सब वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है. नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास. बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और उससे पहले हमने द यूज किया. इट इज ऑल्सो यूज इन एक्सप्रेशंस लाइक बाय द डजन, ऑल द स्टूडेंट्स, द सेम थिंग. तो इन सब एक्सप्रेशंस में भी आप देख सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल द यूज हो रहा है. Now there are some instances जहां पर definite article use नहीं होता है. जब हम कोई abstract noun किसी चीज की quality को refer करते हैं उससे पहले हम the use नहीं करते. For example, if I say the bravery is a virtue. अब यहां पर bravery क्या है? एक abstract noun है. इससे पहले the नहीं आएगा. We'll say bravery is a virtue. तो ऐसे जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर रहे हैं उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. सिमिलरली नेम्स ऑफ मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है, हम कहते हैं कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. अब यहां पे मटेरियल क्या है? कॉटन. तो हम कॉटन से पहले द यूज नहीं करेंगे. वी विल नॉट से द कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. सिमिलरली मील्स.
Like आप कहते हैं I just had my breakfast. We will not say I have just had the breakfast. कोई भी meal है breakfast, lunch, dinner, tea उससे पहले the नहीं आएगा. Colors है for example आप कहते हैं grass is green in color. So you will not say grass is the green in color. कलर के आगे भी द यूज नहीं होगा. ऐसे ही अगर कोई गेम है फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट. नाउ हियर आई विल नॉट से आई प्ले द क्रिकेट. क्रिकेट वर्ड से पहले द नहीं आएगा. तो ऐसे ही किसी गेम या स्पोर्ट के नाम से पहले भी द नहीं आएगा. देन यू हैव सम एक्सप्रेशंस जहां पर द यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ऑल डे ऑल नाइट बाय ट्रेन बाय एयर. अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कई एक्सप्रेशंस हैं जहां पर द यूज होता है, कई एक्सप्रेशंस हैं जहां पर द नहीं यूज होता. तो ये सारे यूजेज है जो ये आपको प्रैक्टिस से आएगी. जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश को अपनी डेली यूज में लाएंगे, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एक्सप्रेशन में द यूज होगा, कहां पर द यूज नहीं होगा. नाउ वी मूव ऑन टू डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दो वर्ड्स आते हैं दैट एंड दिस. That का प्लूरल है दोज एंड दिस का प्लूरल है दीज. ये दोनों वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी कि अगर आप किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, तब आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. आप देखते हैं दैट कब यूज होता है. इट इज यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन. अगर आप एक बार किसी नाउन का नाम ले चुके हैं और दोबारा से उसे रेफर करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम लिए तो आप उसका नाम लेने के बजाय दैट बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रेड ड्रेस. तो यहां पर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक रेड ड्रेस है. आई वोर द रेड ड्रेस टू द पार्टी. अब यहां पर हम रेड ड्रेस की जगह क्या बोल सकते हैं. आई वोर दैट टू द पार्टी. तो यहां पर आपने देखा द रेड ड्रेस को हमने रिप्लेस कर दिया दैट के साथ. द नेक्स्ट यूजेज ऑफ दैट इज इट ऑल्सो रेफर्स टू थिंग्स फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. अगर मेरे से कोई दूर चीज पड़ी है जिसे मैं रेफर करना चाहती हूँ, तो मैं दैट यूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल गिव मी दैट बुक. नेक्स्ट इज दिस. दिस इज यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर टू द स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल I have read this book many times. तो यहां पर this indicates कि book मेरे पास पड़ी हुई है जिसकी मैं बात कर रही हूं. Next is possessives. Possessive means ऐसे words जो possession show करते हैं. वो adjective की तरह भी use हो सकते हैं, pronoun की तरह भी use हो सकते हैं. एडजेक्टिव यानी कि आप उनकी quality show कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनकी ownership आपके पास है. और प्रोनाउन यानी कि आप उनका नाम लेने की बजाय ये प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जहां पर ये पोजेसिव्स यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज हर हाउस. दिस हाउस इज हर्स. अब यहां पर हर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव. ये घर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो घर है इसकी क्या क्वालिटी है, विशेषता क्या है, कि ये उसका है. दिस हाउस इज हर्स. यहां पर हम ओनरशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये घर इसका है, यानी कि वो उसकी मालकिन. आई हैव अनदर एग्जाम्पल सेंटेंस. लीव व्हाट इज हर्स एंड टेक व्हाट इज योर्स. अब इस सेंटेंस में hers and yours दोनों पोजेसिव्स हैं. नाउ वी हैव सम